नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो आग की लपटों से दहला मेरठ। जी हां, दरअसल बीती शाम शराब माफिया इस्तफाक से पुलिस प्रशासन की हाथापाई के बाद आगजनी का मामला सामने आया है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। स्थानीय लोगों ने बताया कि शराब माफिया इस्तफाक से पुलिस प्रशासन की हाथापाई के बाद आगजनी का मामला सामने आया है। मामला इतना बढ़ गया है कि ये मामला दिल्ली और मेरठ रोड तक जा पहुंचा। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग दंगा कर रहे थे ये मोहल्ले से बाहर के उपद्रवी थे। इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला पुलिस और शराब माफिया का था। उनमें ही आपस में झड़प हुई, चार्ज हुआ, उसके बाद सब माहौल ठीक हो गया। उसके बाद जो हालात बेकाबू हुए वो आग के लगने से हुए, और आग के लगने के बाद में जो यहाँ के मुकामी लोग थे वो अपना आग बुझा रहे थे, और बाहर दिल्ली रोड पर उत्पात मचाया वो सब बाहर के लोग थे। हमने मीडिया के माध्यम से हम आपसे भी यही कहना चाहते हैं, और पुलिस प्रशासन से भी हमने यही मांग की कि महज अगर ये बाहर जो उत्पात हुआ ये महल्ले के पास हुआ है, और महल्ले के पास होने की वजह से महल्ले के लोग नाम आए तो ये बिल्कुल शासन बिल्कुल नाजायज बात। हमने पुलिस प्रशासन से यही मांग करी है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बाहर उत्पात मचाया वो लोग महल्ले के नहीं हैं, और इसके बीच कोई ना कोई ऐसी साजिश थी कि जिससे बड़ा बवाल हो जाए और शहर का माहौल खराब हो जाए। मामले में कई संगीन आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र का इंटरनेट भी बंद करना पड़ा। मामला क्या था ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल थाना सदर बाजार की पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई है। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, जो कि इलाका है भूसा मंडी का 2 से 1, जहां पर कल शराब माफियाओं के साथ झड़प हुई पुलिस वालों की, और उसके बाद आगजनी हुई। आगजनी के बाद जो मंजर था उसमें काफ़ी लाखों करोड़ों का जानमाल का भी नुकसान हुआ। इसमें जो जानवर थे वो भी जले। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर आगजनी हुई है और कितने लोग जो हैं बेघर हो गए। यहाँ पर 150 से 180 जो घर हैं बताए जा रहे हैं यहाँ पर जले हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है निशान प्रशासन पर भी उठता है, और लोगों यहाँ के लोगों का कहना है जो यहाँ पर जो मोहल्ले के पास दंगा हुआ है, जो दिल्ली रोड पर दंगा हुआ है, वो बाहर के उपद्रवी थे, यहाँ के नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मांग भी है कि जो ये बाहर के उपद्रवी आए थे जिन्होंने ये उत्पात मचाया, इनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो निर्दोष लोग जेल के अंदर अभी तक बंद किए गए उन्हें छोड़ा जाना चाहिए। यही यहाँ के लोगों की मांग है, और इसी मांग को लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने सहयोगी शिव कुमार के साथ कमल कुमार, राष्ट्र खबर न्यूज़, यूपी। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।